दोस्तों अगर आपको भी पे टी के वाई सी अनबैन के बारे में जानना है तो डेली मेरे पास कोई ना कोई मैसेज पे टी के वाई सी अनबैन से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट के सेक्शन में आता ही रहता है जी हाँ बहुत सारे लोग पे की एम के वाई सी कराना चाहते हैं और पे टी के वाई सी कराने के लिए उनका अनबैन होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए पे टी के वाई सी से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर मैं अपनी कॉन्टैक्ट टीम से यानी का जो पे एजेंट ऐप होता है इसके अंदर यहाँ पर मैं अपनी टीम वगैरह से कॉन्टैक्ट करता रहता हूँ जहाँ पर पेटीएम के एजेंट लोग मुझे बताते रहते हैं कि पेटीएम के कब अनबैन होगी पेटीएम के के अंदर कब से दोबारा से सुचारू रूप से ये चालू होने वाली है जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम के वाई सी एजेंट ऐप के अंदर यहाँ पर अपडेट आया हुआ है और ये नया अपडेट है लेटेस्ट अपडेट है मेरे पास दिन प्रतिदिन अपडेट आते रहते हैं पेटीएम के वाई सी से रिलेटेड भी और पे टी एम के वाई सी अनबैन से रिलेटेड भी तो यहाँ पर बी सी एप से रिलेटेड ये अपडेट आया है और अगर आप भी पेटीएम की के वाई सी कराना चाहते हैं पेटीएम के वाई सी अनबैन होने का इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी से रिलेटेड मिल जाएंगी इसलिए आप इस चैनल को मेक श्योर sure सब्सक्राइब कर लीजिए आइकन को दरूक दबा लीजिए इससे रिलेटेड जो भी नया अपडेट आता है या पे से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आता है मैं तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ चलिए आपको पे के वाई सी से रिलेटेड यहाँ पर बताता हूँ तो जैसा सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होंगी जिसमें लोग भाग आपको के करके दिखा रहे हैं और वो के हो भी रही है दरअसल वो के उन लोगों की हो रही है जिन्होंने मिनी के करा रखी है जी हाँ अगर आपकी पे की मिनी के हुई हो भी होगी तो आप पे की के फुल के में अपग्रेड कर सकते हैं सेविंग अकाउंट और इसके जितने भी बेनिफिट हैं वो आप सभी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक और तरीका और है जिससे आप बिना के कराए पे की सर्विसेज को चालू कर सकते हैं जी हाँ जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पे ने आर के अकॉर्डिंग जब पे टी पर बैन लगा था तभी परमिशन लेनी थी कि पे की सभी सर्विसेज यूज़ हो सकती हैं बिना के के भी बस आपको नया अकाउंट ऐड करके इसकी सर्विसेज यूज़ करनी है बिना के कराए तो आपको कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में पे ऐप का रेफरल लिंक मिलेगा वहाँ से डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में पुराना अनस्टॉल करके जब इंस्टॉल कर लेंगे इसमें मोबाइल नंबर ओ डालकर इसे लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर यू पी पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है इस पर टैप करेंगे आपके सामने बहुत सारे बैंक अकाउंट आ जाएंगे जिसमें भी आपका अकाउंट हो जिस अकाउंट का भी आपका खाता चल रहा हो यानी कि जिसका सेविंग अकाउंट आपके पास हो वो यहाँ से आप बैंक ढूंढेंगे उस पर टैप करेंगे और फिर उससे आपका खाता सक्सेसफुली यानी कि पे के अंदर लिंक हो जाएगा और लिंक जब हो जाएगा तो आप यहाँ पर रीसेट पिन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना यू पिन बना लेंगे अपने डेबिट कार्ड के लास्ट सिग्नेचर डालकर ओ टी पी डल डालकर वहाँ पर एक पिन बना लेंगे और उस तरीके से आपका बिना के वाई सी कराए पे टी एम की सभी सर्विसेज चालू हो जाएंगी अगर आपको पिन बनाना नहीं आ रहा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा मैंने वहाँ पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक करते हैं उसका लिंक आपको अकाउंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके चेकआउट कर लीजिए चलिए अब वापस से बात करते हैं पे टी एम के वाई सी बैंक की तो अगर आपको पे टी एम के वाई सी करानी है यानी कि इसका सेविंग अकाउंट ही चलाना है आपको बैंक अकाउंट वगैरह इसके अंदर नहीं लिंक करना है तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा अभी एक हफ़्ते पहले मैंने पे टी एम के वाई सी कॉरस्पॉडेंट से यहाँ पर बात की थी उसने मुझे यहाँ पर बता दिया था कि भाई इस महीने तो पे टी एम चालू नहीं हो पाएगी उम्मीद कर रहे हैं कि पी टी एम इस महीने की लास्ट डेट तक चालू हो जाए यानी कि इस मंथ के आखिर तक ये पी टी एम चालू हो जाए लेकिन यहाँ पर उनने यहाँ पर साथ ही साथ उनसे उम्मीद खुद नहीं थी यानी कि वो खुद कॉन्फिडेंस से नहीं कह रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आपको आगाह करना चाहूँगा बताना चाहूँगा कि यानी कि अगले महीने पे टी एम चालू होगी क्या वो एक तारीख से हो या पंद्रह तारीख़ के बीच में दौरान हो जैसे ही कोई इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आएगा उस चैनल पर मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा और आपको अपडेट भी दे दूंगा लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो महीना चल रहा है यानी कि अगस्त का महीना इस वक्त चल रहा है अगस्त के महीने में पे टी एम के वाई चालू होने के अभी चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं और अगस्त के महीने में अगर चालू हो भी जाती है और मुझे कोई अपडेट अपनी टीम से मिलता है तो मैं आपके लिए इस चैनल पर मेक मेकशॉर्ट लेकर आ जाऊंगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा दीजिएगा आज की वीडियो मुझे आपको यही बताना था वीडियो अगर अच्छा लगा हो या कोई मन में सवाल रह गया हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा